स्टूडेंट, टुडे इज अवर हिंदी टर्न। सो हिंदी में आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 24 तक। पत्र लेखन बेटा आपका यूटी, हाफ ईयरली एंड एनुअल चारों एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट अभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा पत्र कौन कौन से पत्र आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना पत्र लेखन पढ़ते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, ठीक है। पत्र लेखन को और क्या इंग्लिश में बोलते हैं, लेटर राइटिंग, लेटर, ठीक है। तो बच्चों, संचार के अनेक साधन उपलब्ध होने के बावजूद पत्र लेखन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी मित्र अथवा संबंधी का पत्र पाने से मन कितना प्रसन्न हो जाता है। कार्यालयों व बैंक आदि स्थानों पर औपचारिक पत्र और प्रार्थना पत्र लिखने पड़ते हैं, मतलब कि अनेक साधन होने के। अब हमें किसी से बात करना होता है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, बट पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग किसी से भी बात करने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का इस्तेमाल करते थे। आज भी बेटा कहीं भी देखेंगे कार्यालय में, बैंक वगैरह का नोटिस वगैरह हर एक चीज़ एनवलप में लिफाफे में करके आता है, तो वो एक पत्र हो जाता है, ठीक है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, प्रधानाचार्य सरकारी व निजी कार्यालय समाचार पत्र के संपादकों व अधिकारियों को लिखे गए व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, मतलब बाहरी काम के लिए बेटा। कि जैसे आपको प्रधानाचार्य या सरकारी या कार्यालय वगैरह बैंक से संबंधित ये सब कोई काम है ना, तो वो औपचारिक पत्र होगा। और फिर अनौपचारिक पत्र क्या होता है, परिवार के सदस्यों, मित्रों व संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, मतलब सदस्य, जैसे पिता को पत्र लिखना, भाई को पत्र लिखना, मित्रों को या संबंधियों को, चाचा को, मामा को, दोस्तों को, इन सबको पत्र लिखना अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ओके, समझ आया। पत्र लिखते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। पत्र लिखते समय में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पत्र लिखते समय जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाता जाना चाहिए, मतलब जिसे भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं संबोधन, जैसे कि पिताजी को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, भाई जी को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं तो प्रिय भाई या प्रिय मित्र, ऐसे मित्र को लिखते हैं तो, ठीक है। और जैसे प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो लिखते नहीं है आदरणीय महोदय, तो ये उसका संबोधन होता है बेटा। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, और भाषा उसकी सरल और साफ साफ होनी चाहिए। पारिवारिक पत्रों में आत्मीयता झलकनी चाहिए, मतलब परिवार के पत्र के लिए आप, मतलब परिवार के मामले में यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा अपनापन दिखना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना पत्रों में सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग हो, जैसे प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन चाहिए छुट्टी के लिए तो उसमें आप ऐसे वर्ड यूज़ कीजिए कि सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है, सम्मानपूर्वक। पत्र के अंत में उचित अभिवादन का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे अभिवादन देते नहीं है कि आप छुट्टी देने की कृपा करें, फिर उसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद, ठीक है, तो वो हमारा अभिवादन होता है। या पिताजी को पत्र लिखें तो कहेंगे चरण स्पर्श, ठीक है, तो वो अभिवादन हमें करना चाहिए। अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए, मतलब छोटे से छोटे शब्दों में अपनी बात को रख देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा पत्र नहीं लिखना चाहिए। नाम व पता साफ शब्दों में उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए, मतलब साफ साफ सुंदर राइटिंग में अक्षरों में वहाँ लिखा होना चाहिए। और कुछ पत्र के नमूने यहाँ पे दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसे आप ज्वर से पीड़ित हैं, ज्वर यानी बुखार, डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने को कहा है, प्रधानाचार्य से 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखो, तो कैसे लिखते हैं आइए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस और वहाँ जगह का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो भी पत्र लिखा गया है, एग्जांपल में दिया है पीतमपुरा नई दिल्ली, तो यहाँ पे अगर आप रॉबर्ट्सगंज में रहते हो तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेवा में डेट डाल देंगे आज का, मतलब किस डेट को पत्र लिखा जा रहा है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ग्लेन हिल स्कूल कम्हारी, और यहाँ पता रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र। फिर लिखेंगे माननीय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ, ब यानी सेक्शन बी, ठीक है। मुझे 2 दिन से तेज ज्वर है, डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं 2 दिन तक कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे 25 व 26 अगस्त का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अविनाश सूद, ठीक है बेटा। तो छोटे शब्दों में इसने कितनी अच्छी से बात कह दी, ठीक है। तो आपको जिस डेट को छुट्टी चाहिए आप वहाँ वहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, और आपका आज्ञाकारी से यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा जाता है, देख, ठीक है बेटा। उसके बाद है अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, यानी TC,
जिसे हम लोग टीसी कहते हैं ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो वो देने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, आइए हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। तो पता पहले लिख लेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका एड्रेस। फिर लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका स्थानांतरण मुंबई में हो गया है, मैं भी परिवार के साथ मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ मुझे किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर एक विद्यालय छोड़ के आप दूसरे में जा रहे हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपसे विनती है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ठीक है बेटा। तो छोटे ही शब्दों में इसने अपनी बात कह डाली, मैं आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। और यहाँ अभिवादन भी व्यक्त किया, धन्यवाद। फिर यहाँ अपना नाम लिखना, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आप होंगे आप अपना नाम यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही पत्र लिखा जाता है, फिर उसके बाद अपना नाम लिख के किस क्लास के बच्चे हैं वो लिखेंगे, आपका रोल नंबर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, और डेट, किस डेट को आपने पत्र लिखा है, ओके स्टूडेंट। फिर है नेक्स्ट हमारा एक और पत्र, प्रधानाचार्य को पुस्तकें व वर्दी दिलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, ठीक है। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं, प्रधानाचार्य को पुस्तकें व वर्दी। यहाँ सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय LPG स्कूल, यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उस स्कूल का एड्रेस। श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं, उनकी मासिक आय 4000 रुपये मात्र है, मेरे 2 भाई बहन भी स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी कम आय में मेरे घर का खर्च बड़ी कठिनाई से पूरा होता है, पिताजी के पास मेरी वर्दी व पुस्तकों के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अतः वे मुझे विद्यालय से निकलवाना चाहते हैं, मेरी पढ़ने में रुचि है, मैं सदा कक्षा में प्रथम आता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्कूल से निःशुल्क पुस्तकें वर्दी दिलवाने का प्रबंध करें ताकि मेरी पढ़ाई में कोई बाधा न आए, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पर अपना नेम राइट कर देना है, ठीक है बेटा। तो कितना अच्छा पोता इस बेटे ने पत्र लिखा, ठीक है, मतलब कि अपने पिता की आय भी उसमें लिखी कि मेरे पिता इतना ही कमाते हैं, मेरे पास पुस्तकों के लिए मतलब बुक्स के लिए और मेरे ड्रेस के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसने निःशुल्क बोला, उसने पत्र लिखा कि मेरे लिए निःशुल्क पुस्तकें व और वो वर्दी यानी ड्रेस और बुक दिलवाने की कृपा करें। अगला पत्र है हमारा, मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे, किस एड्रेस पर वो पत्र जाएगा वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिय सुशांत लिखेंगे, नमस्ते, मेरे जन्मदिन के अवसर पर 12 अप्रैल शाम 5 बजे जलपान का आयोजन किया गया है, अवसर पर संगीत तथा खेल कार्यक्रम भी रखे गए हैं, तुम अपनी छोटी बहन के साथ जरूर आना, सब मिलकर दावत उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है बेटा। तो 3 लाइन में ही इसने पूरी बात कह डाली, ठीक है, इसका 12 अप्रैल को बर्थडे है, इसने शाम को सबको बुलाया है, और फिर लिखा है नीचे तुम्हारा मित्र सौरभ, ठीक है। तो इसने अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड कितनी अच्छे से दिया। तो आगे हम ऐसे ही और पत्रों को पढ़ेंगे, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने पर सखी को बधाई पत्र, मतलब जैसे आपका कोई भी फ्रेंड फर्स्ट आ गया तो उसको कैसे बधाई पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेस लिखेंगे बेटा कि जिस एड्रेस पर आपको पत्र भेजना है, फिर लिखेंगे फ्रेंड का नाम जिस दोस्त को आपको भेजना है, प्रिय स्नेहा सप्रेम नमस्ते, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए बहुत बहुत बधाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि यह पुरस्कार तुम्हारे लिए ही है, जब तुम कक्षा में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी तब भी तुम्हारी प्रतिभा का पता चलता था, मुझे आशा है कि इसी तरह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जाओगी व माता पिता का नाम रोशन करोगी, मेरे पूरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी सखी सुनिधि। तो इसने अपनी फ्रेंड को बधाई पत्र लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही ये बधाई पत्र लिखा जाता है फर्स्ट आने खुशी में। अब है नेक्स्ट, अपनी दिल्ली का यात्रा का वर्णन करते हुए पिता को पत्र लिखो। मान लीजिए आप दिल्ली घूम रहे हैं, अपने पिता को कैसे बताएंगे कि दिल्ली कैसा है, सुंदर है, उसका पूरा व्याख्या करते हुए पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ के हैं, ठीक है। फिर लिखें आदरणीय पिताजी, देखिए यहाँ पर कौन सा संबोधन यूज़ किया, आदरणीय, चरण स्पर्श यानी पैर छू रहा हूँ। उसके बाद है
मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। हम पिछले रविवार को ही दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली महानगरी की सैर ने तो मेरा मन मोह लिया। हमने कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, बाहाई मंदिर और अक्षरधाम मंदिर देखा, वह तस्वीरें भी खींची। हम जामा मस्जिद की मीनार की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, वहाँ से दिल्ली का रोमांचक दृश्य दिखाई देता है। दिल्ली की मेट्रो रेल का सफ़र भी काफ़ी रोचक रहा। मैंने सबके लिए उपहार लिए हैं, जब घर आऊँगा तो साथ लाऊँगा। ठीक है, माँ को प्रणाम व अनु को प्यार, आपका पुत्र संजय। तो बेटा, इसने कितने छोटे शब्दों में अपनी सारी बातें कह डाली, दिल्ली की पूरी व्याख्या कर डाली। ठीक है, तो ऐसे ही ये पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ है बेटा अभ्यास। अभ्यास में 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो मैं लिख के दे दूँगी, आप लोग अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। पत्र द्वारा सखी को जन्मदिन का निमंत्रण भेजिए, ये भी मैं आपको राइट करके दे दूँगी, आप कर लीजिएगा। व्यायाम का लाभ बताते हुए छोटे भाई को पत्र, जैसे आप बड़े भाई हैं, छोटा भाई आपका नहीं जानता है, उसको कैसे बताना है व्यायाम क्या होता है, तो ये भी आप राइट करेंगे। जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए चाची जी को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये 5-6 पत्र बेटा, जो 6 है ना, मैं आपको दे दूँगी, आप कॉपी में राइट करके मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ओके,